Siddham Suddham Panamiya Jimindavarnemi Chandamakalankam Gunarayana Bhusanudayam Jeevasaparuvanam Vocham. लगभग आठ नौ गाथाएं लेने का विचार है. आठ नौ इसलिए मैंने कहा क्योंकि 84वीं गाथा तो हमारी आज सुबह पूरी की थी हमने, और 85वीं गाथा से लेकर 93 तक का एक प्रकरण है. ऐसा ही है ना, ये 93 तक का प्रकरण है. मैं चाह रहा हूँ उसको कंप्लीट कर देवे आज की क्लास में, तो फिर नए पीरियड में नया प्रकरण चलेगा. बहुत सरल प्रकरण है, वैसे तत्वार्थ सूत्र की ही विषय वस्तु है. सुबह तीन प्रकार के जन्म की चर्चा करी थी, जरायुज, अंडज, पोत. तीन प्रकार के जन्म की चर्चा करी थी, है ना. तो तत्वार सूत्र में ये जब सूत्र चला है, जरायुज अंडज पोतनाम गर्भ, तो वहां पर कुछ प्रश्न उत्तर उत्पन्न हुए हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम. वहां पर प्रश्न ये पूछा कि जरायुज ये शब्द को आपने पहले क्यों रखा, क्योंकि नियम तो ये होना चाहिए कि सबसे लघु अक्षरी शब्द है उसको उससे चालू होवे सूत्र, नहीं तो गारव दोष आता है. ये व्याकरण के अपने अपने नियम होते हैं. सबसे बड़ा शब्द पहला जरायुज क्यों लिखा, तो आचार्य देव का ये कहना रहता है व्याकरण का नियम ठीक है लेकिन उससे बलवान नियम हमारे पास ये है कि कोई प्रधान बात होती हो तो अचानक यहां वहां कुछ बात हो सकती है. कुछ समझ में आती है क्या कहा. देखो 37वें मंजिल पर ऑफिस था और बॉस जो ऑफिस का था बाहर निकला और गेस्ट होंगे दोनों बाहर निकले और एक प्यून था उनके साथ. तो प्यून को बोला कि लॉक द डोर, जो भी कुछ बोला होगा, और बीच में बात नहीं करना बोला उसको. हम दोनों जरूरी टॉक कर रहे हैं. लाइट नहीं थी, लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो ये नीचे आ रहे थे, 37वीं मंजिल से नीचे उतर रहे थे. अब कल्पना कर सकते कितनी देर लग सकती है इसमें. तो देर का क्या है, एक घंटा तो भी लग सकता है इसमें. क्या घूमते घूमते चक्कर आकर ना गिर ना जाए, यही बहुत बड़ी बात है. तो एक घंटा भी लग सकता है. तो कुछ बोलने को देखे तो बाद में वो चुप रहे. कौन? ये प्यून. क्योंकि उसको बोला गया था कि बीच में कुछ नहीं बोलना. जब दो बड़े व्यक्ति बात करते तो बीच में वैसे ही बोलना असभ्यता की निशानी माना जाता है. जब वे नीचे आए तो उन्होंने कहा गाड़ी खोल. तो उसने कहा चाबी तो ऑफिस में रह गई है गाड़ी की. बोले मूर्ख तू बीच में नहीं, तुम्हें याद नहीं आया इतनी देर? बोले मुझे तो एक मंजिल नीचे उतरते ही समझ में आ गया था. बोले बोला नहीं, आपने कहा था कि बीच में नहीं बोलना. तो बोले इतना जरूरी काम हो तो बीच में बोलने कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है उस समय में नियम भी यहाँ के वहां हो जाते सब. एक आपने कभी नोट किया होगा, मैंने कभी बोला भी होगा आपको, ये जो सर्कुलर निकलता है बड़ी बड़ी मीटिंग्स का, बड़ी बड़ी मीटिंग्स का सर्कुलर निकलता है तो सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड ये पहले सबको बांट दिया जाता है कि आज इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा चलेगी 10 बिंदु. तो उसमें अंतिम बिंदु कभी भी वॉच करना ये होता है. बोलो आइन टाइम कोई सामने बात आएगी तो डायरेक्टर चेयरमैन उस पर भी बात अचानक कर सकते हैं.
फिर कोई ये ना बोले कि आपने अचानक कैसे विषय उठा दिया, दिस वॉज नॉट प्री प्लान्ड, ये अचानक ऐसे कैसे उठा दिया, तो और फिर ये भी लिखा रहता है और अल्टीमेटली ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड. अल्टीमेटली हम यहाँ से भी कुछ दो चार डिस्कशन में से चीजें हटा सकते हैं, दो चार चीजें बढ़ा सकते हैं, इतना तो हम हमारे हाथ में रखेंगे अथॉरिटी. आप सब समझ रहे हैं मुझे तो क्या कहना है. मैं ये आचार्य देव ये कहते हैं ये तो नियम हमको पता है, गारव दोष आता है, वैयाकरण को समझाते हैं हमको तो पता है, लेकिन उससे बढ़कर एक नियम ये है जो प्रधान पद होता है उसको सबसे पहले सीट दी जानी चाहिए. आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को. प्रधान पद को पहला चांस दिया जाना चाहिए और जरायुज अंडज पोत इन तीनों में सबसे प्रधान पद है जरायुज. उसके तीन कारण आचार्य देव कहते हैं, क्योंकि शिक्षा का ग्रहण एक, फिर शब्दोच्चारण अर्थात टॉक, अध्ययन आदि और असाधारण सुंदर रूप, ये पहला ही पॉइंट चल रहा है. ये सब विशेषताएं जरायुज में होती है, पॉइंट एक. पॉइंट सेकंड, ये वैसे मैं तत्व और सूत्र की टीकाओं का आधार ले रहा हूं, आपको थोड़ी मिलेगा ऐसा उसमें जीवकांड में. मैं तत्व और सूत्र की टीकाओं का आधार लेकर बोल रहा हूं, इसीलिए जरायुज को हमने पहले रखा है, बात एक. सेकंड, पहले क्यों रखा, असाधारण सुंदर शरीर एक, तो लोक में भी प्रभावशाली होता है. सेकंड, शिक्षा अध्ययन शब्दोच्चारण आदि ये खासियत है जरायुज वालों की, इसमें उसमें विशेषता पाई जाती है. सेकंड अंडज, एक मिनट, इसी का सेकंड कारण है जरायुज का. जितने भी मोक्षगामी जीव है वे सब जरायुज जन्म वाले होते हैं. और मूल प्रयोजन हमारा तो हमने पहले डिक्लेयर किया है पहले सूत्र में, मोक्ष मार्ग. हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग को दिखाना है, तो मोक्ष मार्ग में जो अग्रणी है जरायुज, क्योंकि अंडज और पोत वाला जीव कितना चढ़ सकता है, 5 तक चढ़ेगा. अंडे में से निकला पक्षी हो आ तो शेर केहरी आदि कोई पोत जीव हो, 5 गुणस्थान से ऊपर क्या चढ़ेगा, है तो तिरेंच नहीं है, लेकिन गर्भज में तिरेंच के साथ साथ ये जरायुज में तिरेंच के साथ साथ मनुष्यों का नंबर लगेगा. तो मनुष्यों की इतनी महिमा है वो जरायुज को इसमें डाल दे, मोक्षगामी जीव है. थर्ड, जितने भी शलाका पुरुष आदि होते हैं महापुरुष, उनका इसी में जन्म होता है. इन सब मुख्यता से जरायुज को पहले लिखा गया है, ये तीन कारण हुए. फिर जरायुज के बाद अंडज को क्यों रखा, क्योंकि पोत की अपेक्षा अंडज जीव है उनमें भी बोल चाल उच्चारण शब्द उच्चारण की प्रबलता पाई जाती है पोत की अपेक्षा अंडज में. शुक आदि जो पक्षी है दे आर फाउंड मोर एबल इन स्पीकिंग, ऐसा इनका कहना है. भले ही निरक्षरी ही हो लेकिन उनका अपना अपना कुछ होगा, तो कहते इस न्याय से भी ये तुरंत बाद अंडज को रखा गया है. क्योंकि अंडज जीव है उनमें शब्दोच्चारण इंटरैक्शन जिस भी रूप से होता हो पोत की अपेक्षा अच्छा है, कहो ठोस पना पाया जाता है. ठीक है, बस अभी एक प्रश्न पर और चर्चा करी है तत्व और सूत्र में, तीर्थंकर को किस में रखे, क्योंकि जरायुज नाम की सार्थकता तीर्थंकर के जीव में नहीं देखने में आती. उनके ऊपर जन्म के काल में कोई झिल्ली नहीं होती, जर नहीं होती, तो उनको किस में रखे ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ. तो अंडज में तो वैसे रख ही नहीं सकते थे, तो और पोत में रखने में वे जन्मते ही बोलना चलना फिरना ये एक्टिविटी थोड़ी कर सकते हैं, और
जर नहीं हो उनमें, फिर भी जरायुज ये पद प्रधान है, क्योंकि मोक्षार्थी जीव मोक्षगामी जीव इसी वाले होते, इसलिए तीर्थंकरों आदि का अंतर्भाव ये जरायुज में ही करेंगे। और जैसा मैंने सुबह भी कहा था, नाल तो उनमें भी जुड़ी रहती ही है, ये तो अतिशय से गर्भ शोधन हुआ हो वो बात अलग है, ठीक है। एक प्रकरण अपना हुआ, अभी आगे की गाथाओं की तरफ बढ़ना है हमको, देखते हैं। मैं बीच में वैसे और एक बात कह दूं, जैसे आप लोगों से फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि आप सब समझदार हो, बहुत समझदार हो आप लोग। देखो जैसे आपको गुस्सा आया मनन थोड़ा किंचित, नहीं नहीं आया थोड़ा, लेकिन मेरे को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस दिनों समर्पित को देखा और ये बहुत अति हो गई है, ये फैशन का काम ही नहीं ना अपने में। देखो प्रमादवश बाल हम देर से बनाए, महीना दो महीना तीन महीना भी लग जाए, प्रमादवश आलसवश वो क्राइटेरिया अलग है, अपने प्रॉपरली मेंटेन किया है ये वेश्यागिरी और अब्रह्म का परिणाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और आपका जीवन बिगड़ जाएगा। आप बहुत कोमल उम्र के हो, आपने अभी देखा नहीं है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बहुत दलदल भरा मार्ग है, जो मार्ग आप चुन रहे हैं इसमें आफते ही आफते हैं, और इतनी दलदल है और इतनी कंपटीशन है इसमें, और इतने फालतू लोगों की आप उनको कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे घर के हो, आप इतना नीचे उतर ही नहीं सकेंगे। आप सब समझ रहे हैं एक बात, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मैं जब भी किसी को कुछ डांटता बोलता हूं तो मुझे एक बार ऐसा हुआ, दो बार वो हुआ, किसी ने मुझे आकर कहा कि आपके बारे में ऐसा बोल रहा था पीठ पीछे, मैंने बहुत बोला था यह बोला था, मैं आज भी बिलीव नहीं करता वो मेरे पीठ पीछे ऐसा बोला होगा, और बोला होगा तो इस उससे मुझे इतनी भी सल नहीं है, उसको लेकर मुझे इतना भी गुस्सा नहीं आता। देखो मैं ये समझता हूँ, मुझे फिर से मेरे याद आ रही है जोसेफ सर के हमारे, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर, जो रोल मुझे अदा करना है वो मैं बखूबी से अदा करूँगा, उसमें मेरी इज्जत है। और एक याद आती है उन्हीं की चीज़ से, मैं आज और एक बात कर रहा हूँ आपको, वही जोसेफ सर वे बहुत चाहते थे मुझे, गुरुजनों ने मुझे बहुत चाहा है, शायद आज मैं इस पद पर हूँ उसमें बहुत योगदान उन्हीं का है। वो देखो वो क्या करते थे जोसेफ सर, उनकी बहुत जीवन की कहाँ तक बताऊँ मैं, आपने कई सारी अच्छी बातें भी सुनी होगी, आज प्रसंग भी नहीं है, और आप ये भी कह सकते हैं अब बार बार सुना चुके हैं, सब याद होंगे, इतना सदाचारी जीवन था ईसाई होकर भी। लेकिन जब कोई कोई बात होती थी ऐसी, बच्चे गड़बड़ करते थे किसी मामले में और उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, वो खूब पिटाई लगाते थे। और मुझे आज भी याद है वो एक साथ 10-10 स्टिक्स मंगाते थे, कितनी और गीली पेड़ की, और गीली इसीलिए वो टूटे ना, और ऐसा मारते थे उसकी आवाज साफ साफ, ऐसा आवाज घूमती रहती थी, और एक टूटा एक टूटी कि उनको फुर्सत नहीं रहती थी उसको, जो वो दूसरी उठाते थे चलो, आंखें उनकी लाल हो जाती थी, और बीच में पूछते भी थे हैव यू एवर सीन अ रोरिंग लायन इन जंगल। फिर वो एक बात बहुत अच्छे मूड में एक बात कहते थे, आई हैव नेवर माइंड व्हाट यू थिंक अबाउट मी। बहुत अच्छे जीव था, इतना अच्छा जीव था जो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं थोड़ी और भी बताऊंगा, वो ये कहते थे मैं ये नहीं जरूरी समझता आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, मैं पिटाई करते समय में आपको, मैं ये ज्यादा जरूरी समझता हूं आप आगे चलकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम अज्ञानी हो, हम थोड़ी अज्ञानी है, और तुमने हमको गालियां बक दी नशे में, बक दी तो हम हमारा पेशा कैसे छोड़ सकते हैं करने का बाबा, हम तो सन्मार्ग पर तुमको लाएंगे, तुम जब तक तुम हमारे सामने दिखोगे, नहीं दिखोगे तुम्हारी तुम जानो, ये तो हम जिम्मेदारी समझते हैं, कोई हम तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है करके, बल्कि नहीं करते हैं हम ये काम तो हम तुम्हारे प्रति तुम्हारे माता पिता के प्रति महान्याय करते हैं। और मैं भी इसी विचारधारा को हूं, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो मैं विचारता ही नहीं हूं,
लेकिन आगे जब भी आप विचार करोगे एक इस नाम का आदमी था तब तो मैं बुढ़ा हुआ होऊंगा, अभी चालू हो गया हमारा, तो आप जरूर सोचेंगे इन्होंने ये बात कही थी और ये बहुत अच्छी कही थी और मैं और एक बात कहूँ। तो वी टुक वेरी लाइटली एट दैट टाइम, और मैं भी अंदर से वो जोसेफ सर को, मेरे को भी आठवीं में बहुत मारा था उन्होंने, मैं अच्छा बच्चा नहीं था, लेकिन मेरी दम और मेरा वजन मेरी बुद्धि के कारण हुआ करता था। मैं ऐसे लास्ट बेंच पर ही बैठता था, मैं कोई फर्स्ट बेंच पर कभी विद्यार्थी था ही नहीं, मैं झूठ बोलने का कोई काम नहीं, लेकिन मेरी ये दम इतनी थी मैं जोर लगाऊं तो मेरी आंसर शीट सामने रखकर ही सब चेक किए जाते थे पेपर, मजाल है मेरी गलत उत्तर भी कोई सही गलत करे, अरे इसका अपन गलत नहीं कर सकते, ये कितना माथा खा सकता है, क्या बोल सकता है बाबा, इससे नहीं अपन उलझ सकते। किसी भी रूप में मुझे कहना यह है, अभी तो क्या कहते रह गया, हाँ कुछ कह रहा था, हाँ नहीं नहीं कुछ कह रहा था रह गया, अच्छी चीज, हाँ नहीं नहीं और बहुत अच्छी बात कहने की, हाँ वो तो कह ही रहा था, सुनो हाँ हाँ सुनो, आठवीं में मुझे भी बहुत मारा था उन्होंने, बहुत मारा था और इतना मारते थे बाबा, मैं आपको शुद्ध हिंदी में कहूँ वो थोड़ा सा अश्लील वचन भी हो सकते हैं, हम सीधे घर पर आकर कुछ नहीं करके दर्पण के सामने उल्टे खड़े रहते थे और चार चड्डियाँ पहन के जाते थे, फोर टाइट, और वो तो हमारे गुरु थे, वे तो और आगे के थे, वे तो पैंट खींच कर लूज लूज पैंट, ऐसे थोड़ी उनको कोई बेवकूफ बना सकता था। और सुनो मुझे क्या कहने वो मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे हमने दसवीं पूरी करी, सुनो सुनो सब सुनो, अच्छे जीव बहुत विरले होते हैं और वो चाहे जब चाहे जहां नहीं मिलते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और जब सामने होते हैं उनकी महिमा नहीं आती है हमको, वे चले जाते हैं हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं, जीवन से चले जाते हैं, विश्व से बाहर चले जाते हैं, तब इतनी महिमा आती है, कलाम तो वही है ना जो पहले जिंदा था तब था, कि मरने के बाद उसको क्यों फेम मिला, क्योंकि नो वन कैन, उसके पासंग में कोई दूसरा आदमी आज नहीं खड़ा कर सकते हम, अब रो फूट फूट के हम इतना लाभ लेते उससे, ये करते इतनी कंपनी शेयर करते, आदमी इज ऑलवेज अ फूल, वो जब अवसर होता है वो लाभ नहीं उठाता, आदमी हमारे बीच में हम उनके अगल बगल में रहे, कैसा पारस मुनि हमारे बीच में रहा और हम कैसे सोना नहीं बन पाए, हम यही नहीं समझते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हम लोहे भी नहीं थे क्या, तो वो तो फिर मुझे तब क्या जो भी लगता होगा, जैसे मैंने टेंथ पूरी करी, हमने स्कूल छोड़ा तो उन्हें यह पता चला था, उन्होंने भी वहां पर स्कूल छोड़ा था, फिर वे प्रिंसिपल बने कहीं गए, तो फिर हम इलेवन ट्वेल्थ पूरी करी, हम इंजीनियरिंग गए, ये छह साल के पैच में मुझे बड़ी बेचैनी रही, मैं बहुत डिस्परेट था, मैं एक बार जोसेफ सर से मिलूं, एक बार मैं मिलूं, और बहुत भाग्य भी ऐसा हुआ, वो मैं इंजीनियरिंग पूरा भी की थी, मैंने शादी भी की थी, और तब अनायास वे किसी कारण से आए थे वहां पर, मुझे लगभग कितने एक आठ साल नौ दस साल के पैच के बाद मिल रहे थे, मैं इतना खुश हुआ था, और तब उस दिन वो मेरे घर में आए थे, तब तक वे कभी घर में नहीं आते थे, वे कहते थे मैं आऊंगा घर पर, हम बहुत बुलाते थे उनको, वे कहते थे मैं आऊंगा घर पर, लेकिन उस दिन जिस दिन अपना विद्यार्थी और गुरुजी जैसा संबंध नहीं होगा, वे कहते थे क्या मालूम मैं यदि बहुत नजदीक आया और मैं न्याय नहीं कर सका तो मुझे नजदीकी नहीं चाहिए, किसी से कभी कोई चीज नहीं लेते थे वे, कोई फल लाए कुछ लाए, नथिंग नथिंग नथिंग, वो कहते थे तुम मुझे झुकाने का, मेरे ईमान को खरीदने का प्रयास कर रहे हो ये बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरे ऊपर भी तो भरोसा नहीं है, पेपर चेक करने में थोड़ा भी लगा, इन्होंने 2 किलो मौसम्बी ला के दी थी तो उतने में मेरी कलम ना चले तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरे प्रोफेशन का क्या होगा, मैं तो 2 किलो मौसमी में नहीं बिक सकता ना मेरा ईमान, बहुत मैं आपको वहां कहां तक बताऊं,
लेकिन मैं बहुत डिस्परेट रहा और आज तक वे कहाँ है यही पता नहीं है. और आज किसी निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु को मिलने की जितनी उमंग है उतनी मिलने की उमंग मुझे उनकी है. और मैं बहुत मानता हूँ इस पर्सनैलिटी को, लेकिन स्कूल लाइफ में कभी हमने ये केयर नहीं किया और इतनी मेहनत करके पढ़ाते थे. आज के टीचर तो काम ही नहीं है. कभी एक्स्ट्रा कहना चाहिए, हर संडे एंगेज ही रहते थे उनके पूरे थ्रू आउट द डे. ट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ आदमी था वो. और पूरी मेहनत, मैंने कहा ना अभी प्रिंसिपल जहां पर बने हैं वहां पर जैसे 10 साल हो गए प्रिंसिपल बनके उनके, उनकी पत्नी उसी स्कूल में टीचर है, कभी ऑफिस में भी मिलने नहीं आई अकेले में. और हर संडे को भी बराबर वो ऑफिस में जाते, एक दिन कभी लीव नहीं है उनका और बिल्कुल बियॉन्ड टाइम जाते नहीं. सब उनके अपने प्रिंसिपल से वो सब देखने लायक है. मुझे कहने की तो बात इतनी है, वाकई में वे कहते थे आप मेरे बारे में आज क्या सोचते हो, मैं बिल्कुल नहीं सोचता, सोचना मेरा काम नहीं है, मैं उस दिन की राह देखता हूं, आप आगे चलकर सोचेंगे इस आदमी ने हमको क्या दिया. वाकई में हम आज एक्सपीरियंस करते हैं कि वी आर मिसिंग सो मच, ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो सकती. तो मैं तो न्याय करूंगा और मैं लाइटली लेता हूं, बार बार कहते नहीं हूं एक एक बात को, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ये. तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना चाहिए यार, समझ में आता है. चलो ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड. कहाँ तक आए? वैसे हमारा टारगेट 8000 है, 85 to 92, उसको हम पूरा करेंगे. कुछ नहीं है बड़ी थीम, कुछ नहीं है, चार्ट बनेंगे, ये तीन गाथा एक साथ उठाएंगे. हमारी योनियों की चर्चा चल रही है और 9 प्रकार की योनियां, सचित्त अचित्त मिश्र, समवृत्त विवृत्त मिश्र और शीत उष्ण मिश्र. ये तत्व और सूत्र का सूत्र सुबह चर्चा करी थी ना अपने इस पर, तो अभी ज्यादा नहीं कहकर अभी सीधा तीन का अर्थ बताएंगे और कौन कौन से जीव उनकी कैसी योनियां होती है थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं अपन. आप कॉलम बनाएंगे इसके लिए, 4 कॉलम बना सकते हैं, वर्टिकल कॉलम्स 4, जिसमें और एक बात कहनी है वैसे इसी संबंध में, अपने सदाचार संबंध में, आप आपके पेरेंट्स को जो नैतिक अध्ययन कराता हो, नैतिक अध्यापक हो, उससे मिलाना कभी नहीं भूलना चाहिए. क्या बोला मैंने? नहीं समझे? पापा आए हैं, पापा जी आप जरूर मिल लेना. जैसे किन किन को, जैसे मैं तो हूँ ही यहाँ पर और मेरी डफली नहीं बजा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जैसे और भी अन्य विद्वान हैं, जैसे संजय भैया है, और भी जो आपको पढ़ाते होंगे, सुधीर भैया पढ़ाते होंगे आपको जो भी, लेकिन नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर और सो एंड सो, बट ये आप जिनकी निगरानी में है, क्योंकि 1 घंटे में बहुत स्टडी करता है अध्यापक यहाँ से, आपकी वो कुशलता पढ़ाई की नहीं देखता, आपकी 1 घंटे में पूरा आपका कच्चा चिट्ठा पूरा जान सकते तुम क्या करते हो. मैं तो जानता ही हूँ सब, मैं तो एक एक की कह सकता हूँ ये 1 घंटे का देखकर ये इसका लाइफ कैसा है, और ज्यादा नहीं उसके बॉडी लैंग्वेज से सब समझता है. आपको कराना चाहिए परिचय कि पापा जी ये है, इनसे मिलो, तो फिर आपके मम्मी पापा पूछे इसका नैतिक विकास कैसा है. स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल, स्कूल की क्यों क्या मालूम, मेरे को बिल्कुल स्कूल के रिजल्ट का मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अब होगा तो थोड़ा ईगो हो सकता है इससे. मेरे को चाहिए नैतिकता, अब्राहम लिंकन की का लेटर जिनमें कहा है पापा, और मैं तो पिछले साल बहुत कहता था, पेरेंट्स आए और उनको स्वाध्याय में कोई समस्या भी होगी मुझे नहीं पता, वैसे कहा है कोई प्रॉब्लम, चलो तो तुम्हारे तो तुम्हें भी नहीं पता, बहुत अच्छे हमारे पेरेंट्स आए हो तो उनको तो पापा जी आपको तो स्वाध्याय में आना ही चाहिए, 2 टाइम हो 3 टाइम आपको आना ही चाहिए. आप सब समझ रहे हैं?
आपने हमको इस मार्ग में लगाए हैं, और उनका भी ये फर्ज है कि वो देखे पढ़ाने वाले क्या पढ़ा रहे हैं, कहां तक बताए कहां तक बताए क्या क्या बताए, ये तो सब समझदारी की बातें होती है. वी शुड गो इन टू द डिटेल्स ऑफ वॉट आवर वर्ल्ड इज अचीविंग एंड फ्रॉम होम. समझ में आता है? चलो मैं तो क्या और कुछ कह रहा था वैसे, नहीं नहीं और कुछ कह रहा था. तो उनको अब्राहम लिंकन का, अब्राहम लिंकन ने जानते हैं ना आपने क्या लेटर लिखा था, उन्होंने लिखा था उसको समझाओ झुकना सिखाओ जीवन में, उसको भ्रम में मत डोलने दो किसी अध्यक्ष का लड़का है, उसको झुकना सिखाओ, वृद्धों की सेवा करना सिखाओ, उसको सिखाओ ये जीवन जीना कितना कठिन है, उसको मार्दव गुण सिखाओ, उसको सरलता सिखाओ, उसको भाईचारे से कैसे रह सकते हो सिखाओ. ये ब्रह्मचर्य आश्रम की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई ऊंच नीच भेद नहीं चलता था. एक एक शरीर का डंडा सब पर लगता था कि इनका डंडा अलग इनका डंडा अलग, ऐसे थोड़ी चलता था. और वहां पर तो कड़क तपश्चरण चलता था सब. चलो ठीक है. चार कॉलम बने होंगे, मैं फिर से आ सकता हूं इस पर मुझे नहीं पता. चार कॉलम बने हैं, पहले कॉलम में बनेगा जी, हेडिंग आप डालो, हेडिंग करो जी. फोर कॉलम्स बनने हैं वैसे तो. जी में आप दूसरे कॉलम लिखेंगे ऐसे. अभी वैसे ये तीनों कॉलम जो बचे हैं इनके ऊपर एक बात लिखी जाए योनि, ओनली तीन के ऊपर, तीन के ऊपर. फिर ये जो कॉलम में जीव के आगे क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं अभी. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जीव के आगे जो कॉलम है उसमें आप लिखिए सचित्त ऑब्लिक अचित्त ऑब्लिक मिश्र, दूसरे कॉलम में जीव के आगे इतना लिखो सचित ऑब्लिक अचित ऑब्लिक मिश्र. तीसरे कॉलम में आप लिखे शीत ऑब्लिक उष्ण ऑब्लिक मिश्र. तीसरे कॉलम में लिखे संवृत्त ऑब्लिक विवृत्त ऑब्लिक मिश्र. ये क्या है ये तीनों कॉलम्स? ये तीनों कॉलम्स योनियों की चर्चा है, जीव अगेंस्ट योनि की बात है. तीसरा संवृत्त विवृत्त मिश्र, और मिश्र का अर्थ तीनों जगह अलग अलग है. पहली जगह सचित्ताचित्त, दूसरी जगह शीत उष्ण, और तीसरी जगह संवृत्त विवृत्त. चलो आगे बढ़ना है. अभी देखो जीव के कॉलम में आप लिखेंगे अचित्तम. आप पहला वर्ड पढ़िए 85वीं गाथा का. 85वीं गाथा है आप सबके सामने, पीछे एकाध ग्रंथ रखो कोई, पीछे ग्रंथ पहले रखा करो कोई. देखो पहले समझना कठिन है ये प्रकरण, कठिन मतलब ज्यादा चर्चित नहीं है, ज्यादा वैसे प्रयोजनभूत भी नहीं है, तो और भी कम सुने वाले प्रकरण है ये. 85th देखो, ओ वादे अचित्तम, मिल रहा है उपपाद जन्म वालों के अचित्त योनि होती है. पहले तो एक मिनट, यो तत्वर सूत्र की टीका में एक प्रश्न पर चर्चा चली है, योनि और जन्म में क्या संबंध है? तो आचार्य ने कहा योनि आधार है, जन्म आधेय है. जन्म के स्थान को, आधारभूत स्थान को योनि कहते हैं. ठीक है, तो ये तो बियॉन्ड की बात थी, अभी चार्ट की बात आई है. वो वादे अचित्तम, वो वादे मतलब जीव में आप क्या लिखेंगे? देव और नारकी, क्योंकि देव नारका नाम उपपाद. कौन सा सूत्र है ये? तत्वर सूत्र है, किसी के पास लगेगा बार बार तत्वर सूत्र.
3400 सूत्र है उसमें है, फुटनोट में है क्या? तो वो देव नार की लिखेंगे और वहां पर सचित अचित मिश्र वो जो है ना कॉलम, उसके नीचे लिखेंगे अचित, उनकी जो योनियां है ना देव नारकियों की, होगी कोई संपुट सैया, बात को पूरी करो, आदिश बात को पूरी करो, होगी कोई संपुट सैया। तुम्हें देखने के बाद मियाँ मियाँ क्यों दिमाग में आता है क्या मालूम, मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ, नहीं बोले ऐसा कुछ, चलो बोलो हाँ चलो बोलो आदिश होगी होगी संपुट संपुट सैया आदि अथवा उष्ट्र आदि मुखाकार, देव और नार क्योंकि मैंने बात करी है इनकी सैया होती है। तो देखिए तो देव और नारकी के लिए आप लिखेंगे अचित योनि, फिर आगे बढ़ते अभी आपको लिखना है गब्बे मिस सम तू होदी समुच्छे। देखो देखो गब्बे मिसम तू होदी समुच्छे, गर्भ और समूर्छन जीव है उनके मिश्र पाया जाता है। आप लिखेंगे तुरंत नीचे गर्भज कोमा, एक मिनट, गर्भज के गर्भज मतलब मनुष्य एंड तिर्यंश ऑफ कोर्स, तो गर्भज मनुष्य और तिर्यंश, और नीचे की लाइन में लिखिए तथा समूर्छन, एक लाइन में मत उसको लो, बहुत कॉम्पैक्ट नहीं करना है अपने को टेबल, नीचे की लाइन में लिखो तथा समूर्छन। समूर्छन में भी कौन कौन आएगा? वैसे समूर्छन कौन जीव होते हैं? लब्धे पर्यतक मनुष्य तो समूर्छन होते ही है, तो ये भी आएंगे, और समूर्छन तिर्यंश पांचों इंद्रिय तक हो सकते हैं, चार इंद्रिय तक के तो होते ही है, पांच पांच इंद्रिय वाले भी समूर्छन हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, एक रूल बॉक्स में कहीं लिखने लायक है, बाहर से ये हम निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक जीव पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की बात है। जैसे सांप सुख, सुख मतलब कबूतर, मेंढक, मगरमच्छ, मोर आदि, हम बाहर से ये नहीं बोल सकते कि अमुक जीव गर्भज है कि समूर्छन है, एक संगी है कि असंगी है, दो। समझ रहे आप लोग मेरी बात को? बाहर से मेंढक को देखकर, खास तौर पर मेंढक कबूतर, हम ये बिल्कुल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि अमुक संगी है कि असंगी, बाहर में ऐसे कोई फीचर नहीं है, क्योंकि पांच इंद्रिय ही बाहर से दिख सकते हैं, मन कभी नहीं दिखता, संगी है कि असंगी है, एक। सेकंड, गर्भज है कि समूर्छन है, हम नहीं समझ सकते इसको, क्योंकि मेंढक गर्भज भी हो सकता है, समूर्छन भी हो सकता है, सांप भी, मगरमच्छ भी, मोर आदि भी। समझ में आता है? अंडे से होते हुए तो गर्भज होते ही होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन समूर्छन भी होते हैं। तो ये रूल अपन ने अलग जगह लिख लिया है, ठीक है। अभी तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, मनुष्य और समूर्छन, तो यहां पर क्या लिखा, सचित्ता चित्त मिश्र लिखा, ठीक है। देखो नीचे लिखा है सचित्तम अचित्तम मिसम च य होदी जोनी हो, गर्भज की मिश्र योनि बताई है। एक काम करे, गर्भज ऊपर ही लिखा था ना, गर्भज के आगे मिश्र लिखो बस, और समूर्छन के आगे आप लिखेंगे, समूर्छन के आगे लिखेंगे सचित्त कोमा अचित्त तथा मिश्र, ये तीनों प्रकार की योनियां। वैसे समूर्छन का जो कॉलम है ना, वो दो तीन लाइन उसको लगा लो आप, कुछ विशेष बात है फिर कहेंगे। अभी क्या लिखा आपने, गर्भज के आगे क्या लिखेंगे, सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र, और समूर्छन के आगे क्या लिखा, सचित्त कौमा अचित्त कौमा मिश्र, कुछ भी हो सकता है।
अब इसमें एस्टेरिक्स कुछ मार्क करो, आपको जो मार्क करना है, सिद्धिशिला बनाओ आप, कुछ भी बनाओ, अब वहां पर बनाकर फिर टेबल के बाहर कुछ बात लिखनी है, कुछ भी मार्क करो आपका मार्क, या वन लिखो क्योंकि बहुत सारे मार्क होंगे, वन लिखकर उसको नोट करना है बाहर का, किसका नोट करना है, जो गर्भज गर्भज लिखा ना, गर्भज उसकी सचित्ता चित्त लिखा, वो सचित्ता चित्त के वहां वन करो, सचित्ता चित्त लिखा ना मिश्र, वहां पर वन करो, और उसको वन का एक्सप्लेनेशन बाहर ये लिखना है, जो गर्भज जीव होता है ना जन्मा, उसकी मिश्र योनि कही जा रही है, क्योंकि मां का रज रुधिर ये सब पुद्गल स्कंद है, ये अचित है, तथा मां के प्रदेश, मां के पेट के प्रदेश वह सचित है, ऐसा दोनों कॉम्बिनेशन, इसलिए मिश्र कहा गर्भज को, समझ में आता है, ये लॉजिक अपन जो बाहर लिख रहे हैं वो लॉजिक्स लिख रहे हैं सब, ये सब तत्वर सूत्र की टीकाओं में है, जीवकांड में कुछ खोला नहीं है इसको, इसलिए जितने गर्भज जीव है उनकी मिश्र योनि होती है, सचित और अचित, सचित और अचित, सचित क्यों, आत्म प्रदेश मां के, और मां का जो पुद्गल स्कंद है वह, तो दोनों तो मिश्र ऐसा बोल रहे हैं ये। अभी सम्मूर्छन में आपने सचित अचित और मिश्र लिखा है, उसमें आपको ये लिखना है कि देखो हाँ, अब ये गाथा में नहीं है, ये गाथा का थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपन करेंगे, कितने तीन लाइंस है ना आपके पास वहां पर मैंने बोला था, इसमें आपको ब्रैकेट में लिखना है कि सम्मूर्छन मतलब वैसे कौन से जीव आएंगे इसमें, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय असंगी त्रियंश, संगीत तिरंज असंगीत तिरंज और चार इंद्रिय तक के तो है ही है, तो इसमें अपने को यह करना है, मात्र जो साधारण वनस्पति होती है ना, साधारण वनस्पति वह सचित ही होती है, और साधारण वनस्पति को छोड़कर जितने भी सम्मूर्छन हमने गिनाए ना अभी, वे अचित या मिश्र ही होते हैं, वे सचित नहीं होते, कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं, आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, वहां पर ब्रैकेट में लिखो या इसको मार्क टू करके फिर टू के लिए एक्सप्लेनेशन बाहर लिखेंगे, सम्मूर्छन के दो भेद बनाओ, एक मिनट, सम्मूर्छन के दो भेद बनाओ, एक तो साधारण वनस्पति एक तरफ जो कैसी है सचित, अभी अभी बताऊंगा क्यों है, और बचे हुए जितने भी सम्मूर्छन है उनकी या तो अचित या तो मिश्र, उनकी सचित नहीं होती, यह तो कॉमन चर्चा में आचार्य ने बोल दिया, तत्वर सूत्र की टीकाओं में इसका खुलासा है, इसका और समझ लीजिए, साधारण वनस्पति को सचित क्यों कहा, क्योंकि एक शरीर के स्वामी अनंत जीव है, उसी आत्म प्रदेशों में अनंत जीव होते हैं, इसलिए उनकी सचित योनि कही, बस ये लॉजिक आचार्य ने दिया है, यह हम कुछ बहुत समझ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ पकड़ सकते हैं ऐसा कुछ ही नहीं है, अब लॉजिक पूछेंगे ऐसा है वैसा है, क्योंकि कैसे कैसे बोल रहे, शीत योनि उष्ण योनि ढकी हुई योनि खुली हुई योनि, हम कुछ ही नहीं समझ सकते, कहो तो हमको सब खुली दिखे, कहो तो हमको सब ढकी दिखे, लेकिन ये इनकी अपेक्षा हमको बात करनी है, ये थोड़ा बहुत अपन बताने का प्रयास करेंगे, अभी देखेंगे, एक क्या किसी का हाथ ऊपर आ रहा है क्या, बहुत टाइम से बोलो, क्यों फड़फड़ा रहे भाई, बोलो गलत बताया क्या, ऐसा लिखा है वहां पर, मैं मेरी पढ़ के दिखाता हूँ तुमको, फिर और क्या कर सकते आप, चलो देखो देखो, गर्भ जन्म वाले जीवों की सचित्ता चित्त रूप मिश्र योनि है, क्योंकि क्योंकि उनके उत्पत्ति स्थान रूप माता के उदर में वीर्य लोह रूप पुद्गल द्रव्य अचित्त तथा माता संबंधी आत्मा के प्रदेश चेतन अंश चित्त है, आपको किसका सही लग रहा है,
उसका सही लग रहा है? देखता हूं, हाथ ऊपर करो बस आप लोग। चलो ये आपके फुटनोट है क्या वहां पर? पढ़ के दिखाओ तुम भी। माता के मुझे अटपटी लग रही बात, एक मिनट। मां का सचित रज और पिता का अचित वीर्य, ऐसा बोल रहे? कहां पर है ये? माता के सचित रज और पिता के अचित वीर्य के मिलने से सचित अचित रूप मिश्र योनि होती है। कौन से ग्रंथ में दोनों क्या लिखा है? कहां पर लिखा है? ये भी है तत्व और सूत्र में आपका कहना है? सेम इसका ये मीनिंग है। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखिए सुनो। गर्भ जन्म वाले जीवों की सचित्ता चित्त रूप मिश्र योनि है, क्योंकि इनके उत्पत्ति स्थान रूप माता के उदर में वीर्य लोहू रूप पुद्गल द्रव्य अचित, वो तो दोनों को अचित कह रहे हैं, एक अचित द्रव्य अचित, तथा माता संबंधी आत्मा के प्रदेश चेतनवान सचित्त है। आपको सेम ही लग रहा है? अभी भी सेम ही लग रहा है? चलो चलो ठीक है। अरे ऐसे कैसे सेम लगेगा भैया? चलो अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते वैसे, क्योंकि ये भी जो यहाँ पर स्पष्टीकरण है ना जो इन्होंने दिया है वो मूल आचार्यों का है ऐसा नहीं लग रहा है, परवर्ती विद्वानों का होगा ऐसा ही ख्याल में आता है, तो उन्होंने कुछ लॉजिक लगाया होगा। अभी इसमें कुछ लॉजिक नहीं वर्क करता अपना, ठीक है। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर किया, साधारण वनस्पति सचित्त ही है और बचे हुए सभी सम्मूर्छन, सभी सम्मूर्छन मतलब एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय तो है ही सम्मूर्छन, पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य। चलो आगे आगे की गाथा का अर्थ देखना है। इसमें देव और नारकी के योनि कौन सी, तो वह लिखेंगे शीत व उष्ण, शीत व उष्ण लिखा। इसको मार्क करो, क्या मार्क करेंगे आप नंबर? किसके आगे लिखना बाबा? देव और नारकी लिखा है ना, उसके आगे लिखो ना शीत और उष्ण, सेकंड थर्ड कॉलम चल रहा है अपना। इसमें थोड़ा समझो, अभी इसमें क्या मार्क करेंगे नंबर आप, और सिंबल कर रहे हो तो आप क्या करेंगे आप देख लो। अभी सी, सी तो नहीं होगा, डी वगैरह होगा, थर्ड है। चलो मार्क करके बाहर ये लिखना है। देखो शीत और उष्ण योनि का क्या कह रहे हैं, देव की उपपाद सैया के शीत और उष्ण इतना ही लिखा है, कुछ एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिल रहा है। नारकी में जरूर खोल रही है, नारकी में दो विवक्षा मिलती है। जीवकांड की टीका में ये लिखते हैं टोडरमल जी कि चौथी पृथ्वी के थ्री फोर्थ पार्ट तक, क्या बोला? चौथी पृथ्वी के थ्री फोर्थ पार्ट तक उष्ण योनि ही है। इसका मतलब चौथी पृथ्वी के वन फोर्थ पार्ट और फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पृथ्वी में शीतल योनि, शीत योनि है। क्यों? नरकों में ऐसा थोड़ी है, नरकों में तो पहले इनके कहने से पहले चार पृथ्वियों में गर्मी है और फिर नीचे ठंडी ठंड है, और मतलब चौथे का उतना पार्ट समझ लेना। लेकिन तत्व और सूत्र की टीका में एक और बात पढ़ने में आई है, अब उसकी भी आप अपेक्षा लिख सकते हैं। उसमें यह है कि पांचवें नरक, पांचवी पृथ्वी के फोर फिफ्थ पार्ट तक उष्ण योनि और वन फिफ्थ पार्ट पांचवी पृथ्वी का और छठवीं सातवीं पृथ्वी ये शीत योनि वाला पार्ट है। तो नरक में तो समझ में आ रहा है शीत और उष्ण का विभाजन, लेकिन देवगति का कुछ भी डेफिनेट नहीं लिखा है ऐसा, तो कैसे होगा विभाजन नहीं समझ सकते। तो कोई सूर्य का क्या उष्ण लेंगे तो किसको लेंगे?
क्या बताना है इसका, दो अपेक्षा है, एक तो चौथी पृथ्वी का 3/4 पार्ट तक और एक अपेक्षा पांचवी पृथ्वी के 4/5 पार्ट तक, बस ये दो अपेक्षा है। उष्ण योनि की ये रेंज है और उसके आगे सातवीं पृथ्वी तक शीत योनि की बात है। आगे बढ़ते हैं, देखो किसका अर्थ मैंने बोला, उववादे, ये 86 की गाथा देखिए, उववादे शीदूषणम, मिल रहा है, देव और नारकी के शीत और उष्ण योनि होती है, से शीदूषण मिस्सयम खोदी, शेष मतलब जितने भी बचे हुए जीव है उनके तीनों प्रकार की योनियां कही गई है, शीत भी उष्ण भी और शीतोष्ण भी। ए बोलो मत, शेष मतलब गर्भ और समूर्छन, ये सब शीत उष्ण और मिश्र तीनों वाले हैं। अभी इसमें और एक मार्क करना है, कब 4 मार्क करेंगे क्या, उसमें 4 मार्क करके आप लिखेंगे, ये टीकाकार विशेष बात कह रहे हैं कि जल होता है ना, जल कायिक जीव, एक इंद्रिय जल कायिक, उसकी योनि शीत ही होती है और अग्नि कायिक जीवों की योनि उष्ण ही होती है, ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, अथवा ब्रैकेट में वही लिख दीजिए जहां पर अपने ने ये सब तीनों प्रकार की योनियां कही है ना बचे हुए जीवों में, मात्र जलकायिक और अग्निकायिक को बाहर रखकर बात है। तीसरे अंतिम टेबल पे आइए, कॉलम पर, देखिए समवृत्त विवृत्त की चर्चा इसी में कर रहे हैं। उववादेय खेसु य उपपाद और एकेंद्रिय जीव के संवृत्त योनि होती है। एक मिनट, अब क्या करेंगे, देवनारकी के आगे तो आप संवृत्त लिख कर छोड़ो, फिर अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें एकेंद्रिय कैसे बनाएंगे फिर अभी टेबल, इसमें बन संभव थोड़ी है, नहीं तो अलग से टेबल बनाना पड़ेगा क्या इसका, तो नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इसका टेबल फिर अलग से बन जाए क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन है, जीव और संवृत्त विमृत्त और मिश्र योनि, तो इसमें आपने कोई लिखना है, देव और नारकी के संवृत्त लिखा, फिर एकेंद्रिय के आगे आपको फिर संवृत्त, या देव नारकी और एकेंद्रिय ये सब लिखकर आगे लिखो संवृत्त, ऐसा कुछ, क्योंकि इसी टेबल में थोड़ी ना लिख पाएंगे अभी आप, क्योंकि लेफ्ट कॉलम तो मेल थोड़ी खाएगा, ऐसा समझ रहे ना आप, तो देव नारकी और एकेंद्रिय इनकी संवृत्त योनि लिखिए आगे। संवृत्त योनि मतलब ढकी हुई जो दिखती नहीं है। आगे फिर विकलेंद्रिय की ये संवृत्त हुआ, फिर गर्भज मनुष्य और तिर्यंश की देखो क्या कहते हैं, गर्भज मनुष्य और तिर्यंश की मिश्र योनि कह रहे हैं, ये गाथा में बात आई है, गब्बज जीवाणम पुनः मिस्सम संवृत्त विवृत्त, इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखते हैं मैं यहां से पढ़ के दिखा रहा हूं, अटपटा तो जरूर लगता है, कुछ समझ में तो नहीं आता, देखो क्या लिख रही है, गर्भज जीव संवृत्त विवृत्त में मिश्र योनि है क्योंकि उनके कुछ प्रदेश तो अति गुड़ दिखाई नहीं देते, जैसे स्त्री के उदर का भीतरी भाग दिखाई नहीं देता है परंतु बाहर में कुछ प्रदेश दिखाई देते हैं, इस प्रकार इनकी मिश्र योनि है, कुछ गुड़ और कुछ प्रकट, ऐसी योनि उनको मिश्र, तो गर्भज को तिर्यंश हो मनुष्य हो
उनको गर्भज के लिए मिश्र योनि बोल रही है। तो विवृत्त के लिए क्या लिखेंगे आप? विवृत्त के लिए लिखेंगे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, बस इनके लिए विवृत्त योनि लिख लीजिए। आदि तीन ही गाथाएं हमारी हो पाई, तीन ही गाथाएं हमारी हो पाई। आप विकले इंद्रिय लिख सकते हैं, दो तीन चार इंद्रिय लिखने की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर मूल 87वीं गाथा में वीएलएम ये विकल क्या कह रहे हैं इसको, विकले इंद्रिय के विवुल जोनी, तो विवृत्त योनि ऐसा बोल रहे, विकले इंद्रिय शब्द डाला है उन्होंने, अपने दो तीन चार इंद्रिय लिखा। आप चाहे जो कर सकते हैं, 87वीं गाथा तक हम आए, 88वीं और 89वीं इनमें 84 लाख योनियों का जिक्र है। लेना है अभी तुरंत, कल लेना है, कल लेते 84 लाख योनियों का विभाजन, एक चार्ट बनेगा फिर इसका देख लेंगे कल। ओम नमः।